थंबनेल से पता ही लग गया होगा कि ये मेरा पहला व्लॉग है और कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे 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 आप लोगों के साथ और अच्छे रिश्ते बनाते जाऊँ और कोशिश करूँ कि आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट दूँ जिससे आप लोगों के चेहरे पे एक स्माइल कम से कम दे सकूँ। दोस्तों खमागणी, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि जिस तरीके से इतने बड़े अथाह समंदर जो YouTube का समंदर है, उस समंदर में आज हमने भी गोता लगा दिया है। पहला गोता है, धीरे धीरे तैरना भी सीखेंगे अगर आप लोगों सभी लोगों का साथ रहा। अगर मेरे बारे में बताया जाए तो मेरा नाम विक्रम सिंह राठौड़ है। बेसिकली राजस्थान से हूँ मैं और बाई प्रोफेशन एक HR प्रोफेशनल हूँ मैं, जो पिछले 18-19 सालों से इंडिया की अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हूँ। और स्पेसिफिकली अगर चैनल की बात किया है, जैसे कि मेरे थंबनेल से आपको पता लग गया है, तो कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि यूट्यूब चैनल चालू करने का, बट लोगों से इंटरेक्ट करने का, लोगों से बात करने का, लोगों को जानने का, घूमने का। जैसे कि एक फैमिली मैन या एक कॉमन मैन होता है जिसकी हर किसी की मन में इच्छाएँ होती है, वही सेम इच्छाएँ मेरी है। स्पेसिफिक लेकर मेरी कोई इच्छाएँ नहीं है कि नहीं ये है, तो वो सभी चीज़ें पूरी करने के लिए यूट्यूब चैनल चालू किया है। और कोशिश करेंगे कि आपको कंटेंट वही दें जिस पे आपको, जिसको देख के अच्छा लगे और एटलीस्ट एक मुंह पे थोड़ी सी स्माइल आप लोगों के मैं ला सकूं। अभी शुरुआत है, आई होप ये मेरा जैसे पहला व्लॉग बताया, पर इससे पहले आप ऊपर ये लिंक देख सकते हैं, एक वर्चुअल वीडियो मेरा, जो आप कह सकते हैं वो व्लॉग मेरा फर्स्ट व्लॉग आप कह सकते हैं, और फेस टू फेस जिसको अगर आप मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है ऑफिशियली। तो आई होप ये आपको पसंद आएगा और इन फ्यूचर आपको आई एम अश्योरिंग यू कि यस, आपको कोई कंटेंट ऐसे नहीं मिलेंगे जिसमें आप थोड़ा सा बोर फील करोगे या नॉन एनर्जेटिक फील करोगे। जितने भी कंटेंट, कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो देखने में अच्छे लगें, आप फैमिली के साथ बैठ के देखें। हर एक इंसान क्या अपनी लाइफ में करता है, इवन दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता है, सोलो ट्रैवल करता है, फैमिली के साथ ट्रैवल करता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी के इर्द गिर्द घूम रही है। वही चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, इंटरेक्ट बहुत ज़्यादा करूँगा आप लोगों से, अच्छा लगता है चीज़ों के लिए। तो इस सफ़र की शुरुआत की है, आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगेगी, और नहीं भी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या क्या है। कि पहले दिन में ही कोई कैमरा फ्रेंडली इतना नहीं बन जाता है। यस, एक कोशिश है आप लोगों से बात करने की, लोगों को जानने की, इंटरेक्ट करने की, और एक मन में इच्छा थी जो आज इस फर्स्ट व्लॉग के माध्यम से मैं पूरी करने जा रहा हूँ। तो सभी से रिक्वेस्ट है, अगर इतना भी वीडियो अगर आपको मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। कि एक पहला वीडियो का मैं तो ये नहीं कह सकता कि कंटेंट क्या होता है, बट पहला वीडियो के मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, और ये मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन आप लोगों के साथ है। तो अगेन फाइनल ये आपको अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा लोगों के साथ में। कोशिश करेंगे कि अभी जैसे कि मेरी जॉब राजस्थान में है, राजस्थान के बहुत सारी जगह ऐसी है जो लोगों को बाहर से देखने में भी अच्छी लगती हैं, कोशिश करेंगे वहाँ पर जाके वो जगह को एक्सप्लोर करें, फैमिली के साथ जाएं, सब कुछ जाएं। तो चलिए सफ़र की शुरुआत आज कर दी है, आप लोगों का साथ रहेगा तो धीरे धीरे सफ़र साथ मिल के बहुत अच्छा हम लोग निकाल लेंगे। चलिए तो फाइनली दोस्तों अब आ चुका हूँ मैं जहाँ पर मैं रहता हूँ बेसिकली उसके ऊपर की तरफ, और अब आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली कौन सा टाउनशिप है जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। अभी मैं थर्ड फ्लोर पे हूँ और ऑलमोस्ट बहुत ही सुंदर लोकेशन है ये। एग्जैक्टली एक कह सकते हैं कि पूरा डेजर्ट तो नहीं है, पर कुछ कुछ डेजर्ट एरिया आप कह सकते हैं राजस्थान का एक पार्ट है। ये देख लीजिए पीछे की तरफ, ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। ये देखिए चारों तरफ अभी बारिश की वजह से बिल्कुल हरियाली ही हरियाली आपको चारों तरफ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर अब बात की जाए इस पूरे टाउनशिप के हार्ट को लेकर, या आप कह सकते हो कि हार्ट ऑफ द टाउनशिप ये एरिया है पूरा, बहुत ही एक शानदार तरीके से एक गार्डन डेवलप किया हुआ है हर दो विंग के बीच में यहाँ पे। और अभी फिलहाल कुछ फ्लैट्स ही बने हैं यहाँ पर, कुछ फ्लैट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। स्क्रैप जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली उसी चीज़ के लिए है। और पीछे जो रेलवे ट्रैक आपको बीकानेर मेड़ता के बीच का रेलवे ट्रैक आपको दिख रहा है, जो बिल्कुल एडजेसेंट है इस टाउनशिप के। अभी थोड़ा टाइम और लगेगा इस टाउनशिप को और अच्छे डेवलप होने में। और ये देखिए राइट साइड में प्लेइंग एरिया आपको दिख रहा होगा,
किड्स एरिया जो है बच्चों के लिए। और ओवरऑल देखा जाए तो लश ग्रीन ये एक आप कह सकते हैं कि टाउनशिप है इस पूरे एरिया में, बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से प्लांटेशन यहाँ पे किया गया है, जिसका नतीजा अभी हम सभी देखने को मिल रहा है। फ्रेश एयर, क्वालिटी टाइम आप जिसको बोल सकते हैं एक फैमिली के लिए, यहाँ पे ये इससे बेस्ट जगह हो नहीं सकती है। रिक्रिएशनल एक्टिविटी, आउटडोर स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल ग्राउंड, बैडमिंटन ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड, वॉकिंग पाथ, जिमनेजियम, वो हर वो फैसिलिटी जो एक फैमिली को चाहिए जिसमें बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी लोग हैं, सभी लोगों के लिए टाउनशिप वेल इक्विप्ड टाउनशिप है। और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आने वाले एक साल बाद इस टाउनशिप को अगर आप देखेंगे तो एक अलग लेवल पे ये टाउनशिप का स्टैंडर्ड चले जाएगा। और ये देखिए ये पीछे की तरफ जो सड़क है, और बेसिकली एक विंग का फ्रंट साइड ये कह सकते हैं। ये देखिए और भी फ्लैट्स अभी, और जो क्लब एरिया है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जो आपको अभी देखने को मिल रहा है। और ये अगर आप सुबह सुबह यहाँ पे उठ के और अगर वॉक करें तो आप एक अलग ही फ्रेश फील करते हैं सामने। Hold me close till I get up. Time is